वीडियो जो है वो क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। और जैसे कि आपको पता है, दो दिनों में जो है हम लोगों ने आपको अपना साइंस और इंग्लिश का एक चैप्टर कंप्लीट किया है। अब आज जो है हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, और आज मैथ्स है चुकी इसलिए मैंने इसको स्लाइड में नहीं लगाया है। आप लोग जो है आप इसको समझिएगा, क्योंकि इसको रॉ वीडियो में डालना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि सिक्स क्लास का जो है फर्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या क्या करना है। देखिये, इसमें तो आपको सबसे पहले कंपेरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा है उसके तरफ मुंह खुला रहता है, और जिसके तरफ जो छोटा रहता है उसके तरफ मुंह बंद रहता है। ये आप लोगों ने बहुत ज्यादा बनाया होगा और मुझे लगता है ये सारे के सारे बच्चे ही बना लेंगे। इधर देखिए, जैसे कि इसमें और इसमें कौन बड़ा है, 7809 बड़ा है। तो इसमें जो है हम लोग आपको इसकी तरफ मुंह खुला रखेंगे और जो छोटा है उसकी तरफ मुंह बंद रखेंगे। अब देखिए, सेकंड वाले में जो है आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है, 8138 बड़ा है। तो 8138 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6232 है और 6230 है। तो 6232 है और 6230 है, तो छोटा कौन है, 6230, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6230। उसके आगे जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर आप सभी को आता होगा, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में इसको आप सजा लीजिएगा, ऐसा लिख लीजिएगा। इसको लिख कर तो बताना नहीं पड़ेगा, सारे बच्चों को आता ही है असेंडिंग ऑर्डर। जैसे 1008 लिख दिए हम, उसके बाद 12650 लिख दिए, उसके बाद जो है आपको 50602 लिख दिए, और उसके बाद जो है 55010 लिख दिए। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में ठीक उसका उल्टा, सबसे बड़ा को जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे बड़ा को जो है हम पहले लिख लेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इस तरीके से जो है आप इस पेज को वीडियो पॉज करके उतार लीजिए सारा का सारा क्वेश्चन, और फिर जो है इसको अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करिए लोग, क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स। अब जो है हम अगले पेज पे नहीं, तो आपका पहला एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही है बेटा, तो आपको इतना ही करना है, ठीक है। अब अगला एक्सरसाइज जो है वो हम लोग किसी और दिन देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग इतना होमवर्क करिए। थैंक यू वेरी मच।